इस हार की टीस से भी कहीं ज्यादा दिल में चुभा देश के गद्दारों का वो जश्न जो श्रीनगर के नोहाटा चौक पर मनाया गया। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो अलगाववादियों के मन मिजाज को समझने में आपकी मदद करेंगी। पटाखे फोड़ने वाले ये वो अलगाववादी हैं जो खाते हैं हिंदुस्तान का और गाते हैं पाकिस्तान का। ये तस्वीरें अलगाववादियों के दिल में बसी नफरत को नुमाया कर रही हैं। भारत की जीत इन्हें नश्तर सी चुभती है जबकि शिकस्त इनके कलेजे को ठंडक पहुंचाती है। पाकिस्तान की हार पर इनकी आंखों से तेजे निकलते हैं, भारत की हार पर होठों पर हंसी बिखेर जाती है। इस बारी नहीं, हमेशा जब भी हिंदुस्तान कभी मैच हारता है तो वहां पे इस तरीके का ही एक माहौल बनाते हैं ये लोग, और अगर पाकिस्तान जीतता है तो वहाँ पे फिर वही माहौल बनाते हैं खुशियों का और वो बम पटाखे फोड़ते हैं। अब खुशी इन्होंने इसलिए मनाई क्योंकि हिंदुस्तान हार गया। देश के गद्दारों की जुर्रत तो देखिए, भारत की हार पर पुलवामा और श्रीनगर में मने जश्न के वीडियो को अलगाववादियों का आका सैयद अली शाह गिलानी सोशल मीडिया पर शेयर करता है और वाहिया सा कमेंट करता है कि ये भारत के कब्जे वाला कश्मीर है जहां न्यूजीलैंड की जीत का जश्न मन रहा है। भारत के टुकड़ों पर पलने वाले इन अलगाववादियों को ना तो कोई शर्म है ना कोई हया। ये वही चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने कश्मीरियत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, सूबे के अमन पसंद लोगों के दिलों में नफरत के बीज बोए हैं और भोले भाले नौजवानों को बरगलाकर उनके हाथों में बंदूक पकड़ा दी है। दर हकीकत ये वो लोग हैं जो रहते तो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन इनका दिल पाकिस्तान में बसता है। भारत की हार पर सरहद पार मने जश्न और इन अलगाववादियों के जश्न में कोई फर्क नहीं। पाकिस्तान भी भारत की हार से कितना खुश है, जरा वही के लोगों की जुबानी सुन लीजिए। लेकिन आज जो मैच देखा है ना, 5 पे 3 आउट हो गए थे। मैंने पूरा मैच देखा, मैं इंडिया का मैच नहीं देखता, लेकिन एंड तक मैंने पूरी गेम देखी है और मेरे दिल को इतनी सुकून हुआ है ना कि बस खुशी है बहुत ज्यादा। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रख ली, इंडिया को ऐसा जलील होना पड़ा और आगे भी इंशाल्लाह वो जलील होता रहेगा। पहले 3 बैट्समैन 5 रन पर आउट हो गए तो इससे साबित होता है कि जो गरूर करते हैं उसका हमेशा सर नीचे होता है। चलिए ये तो पाकिस्तानी ठहरे, वो भला क्यों भारत की जीत के लिए दुआएं करते, लेकिन इन अलगाववादियों का क्या कहा जाए और इनकी नीयत पर सवाल क्यों ना खड़े किए जाए। दरअसल इन्हीं अलगाववादियों की सरपरस्ती में कश्मीर घाटी का आतंकवाद फल फूल रहा है। टेरर फंडिंग से लेकर पत्थरबाजों को तैयार करने का काम ये लगातार करते रहे हैं। कश्मीर के मदरसों में ये बच्चों को मजहब के नाम पर जिहाद की तालीम देते हैं।